प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में डॉक्टरी समेत अन्य पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अब स्टूडेंट से मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगी। राज्य सरकार की तरफ से गठित फीस निर्धारण कमेटी की सिफारिश के हिसाब से ही स्टूडेंट से यूनिवर्सिटीज फीस लेंगी। 1300 से अधिक सीटों का निर्धारण होगा। आखिर क्या है गहलोत सरकार की प्लानिंग और कैसे कसी जाएगी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज पर नकेल, पेश है फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से मनमानी फीस वसूली किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर मनमानी फीस वसूलने की परिपाटी पर अंकुश लगाने के लिए गहलोत सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। गहलोत सरकार जल्द ही द राजस्थान प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन फिक्सेशन ऑफ फी बिल 2021 ला रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बिल का ड्राफ्ट जारी करते हुए आपत्तियां मांगी थी और अब तक किसी भी प्रकार की आपत्तियां नहीं आई हैं। माना जा रहा है कि इसी विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार ये बिल पेश कर सकती है। भारत सरकार ने भी कहा है कि जो प्राइवेट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उनको भी 50% तक सीटें गवर्नमेंट की फीस पर ही रखनी पड़ेगी। वो ऑर्डर आ गया। निश्चित रूप से इसके पैरेलल हम भी कानून ला रहे हैं जिससे फीस पर प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है उन पर भी हम लगाम कस सके, ज़्यादा फीस नहीं ले, लोगों को सुविधा मिले, उसके लिए भी हम अलग से कानून लेकर आ रहे हैं। सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल बनाया है और वो अभी हमने पब्लिक डोमेन में भी डाला था लोगों की आपत्तियाँ या रिएक्शन लेने के लिए। तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि सभी प्राइवेट कॉलेजेस इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रन है अथवा RUHS से अफिलेटेड हैं, सभी की फीस डिटरमिनेशन का एक कॉमन मैकेनिज्म हो। और उसमें हमने एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का प्रावधान रखा है। वो कमेटी जो है वो सभी मेडिकल कोर्सेज की फीस को डिटरमिन करेगी। प्रदेश में मौजूद सभी निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े निजी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS और अन्य कोर्सेज के लिए ये ड्राफ्ट है। इन कोर्सेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की फीस का निर्धारण हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। अभी तक निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में फीस निर्धारित करने का प्रावधान यूनिवर्सिटी के पास ही होता है, जिसकी वजह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। लेकिन अब इस बिल के जरिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में फीस निर्धारण का कॉमन मैकेनिज्म बनाया जाएगा। राजस्थान में ये 6 यूनिवर्सिटी मेडिकल कोर्स कराती हैं। JNU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, इसमें 150 सीट है। महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें 250 सीट है। निम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें 250 सीट है। गीतांजलि मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें 250 सीट है। पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें 300 सीट है। टांटिया मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें 150 सीट है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट जारी करने से पहले दूसरे राज्यों में फी निर्धारण प्रक्रिया का भी अध्ययन किया है। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया की माने तो फी निर्धारण के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में RUHS के VC, सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एक चार्टर्ड अकाउंट को सदस्य बनाया जाएगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रन है अथवा RUHS से अफिलेटेड है, सभी की फीस डिटरमिनेशन का एक कॉमन मैकेनिज्म हो। और उसमें हमने एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का प्रावधान रखा है। वो कमेटी जो है वो सभी मेडिकल कोर्सेज की फीस को डिटरमिन करेगी, क्योंकि अभी इसका जो विभिन्न परीक्षण किया जाना होता है लीगल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, वो परीक्षण करके और फिर विधानसभा में इसको पेश करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। राज्य सरकार के प्रस्तावित बिल को लेकर भले ही किसी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई हो, लेकिन सेक्टर से जुड़े सभी लोगों में खलबली जरूर है। हालांकि इस बिल ड्राफ्ट के माध्यम से सरकार ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मुनाफाखोरी के लिए काम न करें। उम्मीद यही है कि इसी सत्र में सरकार ये बिल लाए ताकि एक समान रूप से मेडिकल स्टूडेंट से फी वसूली हो। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।